सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मित्रता का संबंध आँख और हाथ के रिश्ते जैसा है। हाथ को चोट लगती है तो आँख आंसू बहाती है, और जब आँख रोती है तो हाथ आंसू पोंछने लगता है। आज का पंचांग 14 फरवरी 2022 दिन सोमवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात्रि 8:28 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 11:43 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:28 से 9:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:03 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। मकर राशि। सामान्यतः आप काफी स्पष्ट सोच रखते हैं, लेकिन आज जब अपनी निजी समस्याओं और अपनी असुरक्षाओं से घिरे होने के कारण स्पष्ट नहीं सोच पाएंगे, इसलिए आज के दिन किसी नए काम को हाथ में लेने या नए साझेदारी के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके आज के फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए भविष्य के कार्यक्रमों की योजना आज बनाना सही नहीं है। आज आराम करें, प्रभावशाली संपर्क बनेंगे तथा नई नई जानकारियां हासिल होगी। किसी भी काम को सोच समझ कर करने से बेहतरीन सफलता मिलेगी। युवा वर्ग अपने काम निकलवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यस्तता रहेगी। प्रयत्न की गति भले ही अधिक ना हो, लेकिन सतर्कता रखें, इसके वजह से परिस्थिति से संबंधित प्रगति नजर आएगी। किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत बंद होने की वजह से बेचैनी महसूस हो सकती है। व्यापारियों को नए कार्य क्षेत्र में निवेश करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, जिसके जरिए कम प्रयत्नों में आर्थिक लाभ मिलेगा। पार्टनर का ध्यान परिवार से संबंधित बातों पर अधिक रहने की वजह से एक दूसरे के लिए वक्त निकालना मुश्किल लगेगा। महिलाओं को सेहत के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। सावधानियां। अनजान लोगों के साथ व्यवहार करते समय अपनी गोपनीय बातें शेयर ना करें, साथ ही पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें, इसकी वजह से वर्तमान में भी तनाव हो सकता है। दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में आपके काम अधूरे रह सकते हैं, ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। मेहमानों की आवाजाही सबको सुख और खुशी प्रदान करेगी। आज आप अपने पार्टनर पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अच्छे से तैयार होंगे। आपके पहनावे या आपके हेयर स्टाइल से आपके आकर्षण में वृद्धि ही होगी। आपको अपने पार्टनर से अपनी पसंद के कामों को आगे बढ़ाने की अनुमति भी मिल सकती है, इससे आपको उनसे हमेशा के लिए प्यार हो जाएगा। बात करते हैं करियर की। जब आप एक नई परियोजनाओं में तल्लीन हो जाएंगे तो शायद ही अन्य बातों के लिए आपको समय मिलेगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है कि रास्ते में आ रही किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। यह एक उच्च स्थान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे। व्यवसाय संबंधित नई उपलब्धि मिलने पर ज्यादा समय ना लगाएं। युवाओं को रोजगार के नए अवसर सुलभ होंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने से नौकरी मिलने की संभावना है। अधिकारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें। बात करते हैं सेहत की।
आज आप खास तौर पर ऊर्जा से भरे हैं और स्वस्थ महसूस करेंगे। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग अपने लिए किसी फायदे के काम में करें। अगर आप पिछले कुछ समय से कोई काम टालते रहे हैं तो आज आप आसानी से उसे पूरा कर सकती हैं। आज के दिन नया एक्सरसाइज कार्यक्रम शुरू करने या एरोबिक्स या तैराकी जैसे कार्यकलापों की क्लास लेने के लिए भी बहुत अच्छा है। आज का उपाय, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।